नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना मतांतर को स्वागत करीमा किंतु आज मतांतर नुहे आज आम एमती किसी आलोचना करवा जे कि देखार भल पाइबार नजरिया संपूर्ण भाव में बदली जीव भल पाइबा जो विश्वास निश्चित भाव में आहरी दृढ़भूत हे कारण आम आज कथा प्रमोदिनी और सरोज को बहुत विषय जड़े हूँ एसीड पीड़िता और सरोज हूँ जन साधारण मनीष जेकि प्रमोदिनी को आखिरे भल पाई चेहरा को नहीं चेहरा कुड़ी से हृदय को भल पाई पार्टी एक उदाहरण सृष्टि कर दुईज 2018 मसीहा वैलेंटाइन डे अर्थात फेब्रुवारी 14 रे मानकर एंगेजमेंट होता है और 2018 ठारु 3 वर्ष पर सेमानकर विवाह आज हो 2021 मार्च 1 रे तेणु निश्चित भाव में जी शुभ दिन अन्य मानक प्रेरणादायी आम सहित विषय में आलोचना करने रही शुभश्री मैडम समाजसेवी रही मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत और सब बड़ कथा आपड़ मत यहाँ अनेक खुशी प्रकाश करेंगे कारण डे वन अच्छा प्रमोदिन सहित जो जंत्रणा ठार आरंभ कर जो जर्नी इसे प्रत्येक मुहूर्त आपड़ सहित अच्छा आज आप खुशी केमी देखुं बहुत को देखो नीलिमा आज गोटे शुभ दिन शुभ अवसर दुज बहुत संपन्न हो जाए अत्यंत खुशी जेहेतु बिगनिंग आरंभ प्रमोदिन सहित थी प्रमोदिन को किभली भाव में न्याय मिल पार से मत लड़े जारी रखी एवं गोटे समय थी जितेबाद आम बाट पाऊन कि प्रमोदिन को न्याय किभली भाव में मिले पुलिस फाइल क्लोज हो जाता है कि रिओपन करें गोटे आम मानक चैलेंज था से चैलेंज को मत ओवरकम करें प्रमोदिन के सहित सरोज को जो बाहर निश्चित भाव में गोटे निर बाहर एवं सरोज मध्य पर सरोज जीवनसाथी भाव में ग्रहण कर सारी आम समस्ते खुशी ओडिशावासी जो मैंने देखुं जो मैंने प्रमोदिन को सरोज को जानी समस्त को अनुरोध करी से दुईज को आशीर्वाद करूँ से दाम्पत्य जीवन सुखमय होटा मोर विश्वास समस्ते आशीर्वाद करेंगे से मैंने बहुत बंधन में बांधि सारी निहाती भाव में सुरेश मैडम जहाँ आप कहे कि समस्त शुभेच्छा और आशीर्वाद निहाती भाव में छुटुची आम तो मैं देखिपु सोशल मीडिया रे जो भाव में भाइराल होती दुईजर बहुत को नहीं समस्ते खुशी मत ज्ञापन कर समस्त मोर से गोटे कथा बाहर कि विसे हापी मेरेड लाइफ तो मैडम कि गोटे 17 वर्षर जब प्रमोदिन कथ मन पकेबा गोटे 17 वर्षर गोटे प्रिटी गर्ल ठू आरंभ कर गोटे 25 वर्षर एसीड सर्भाइवर जर्नी निहाती भाव में जंत्रणादायक बहुत कष्टदायक ये सहजे निजक ढड़ा कर पारना प्रमोद किंतु हार भी मानि ना से प्रमाण कर देखते कि हाँ से भी बंचार अधिकार अच्छे पुणी स्वाभिमान सहित तो गोटे साधारण जीवन जापन से करें मैडम हाँ निश्चित भाव में प्रमोदिनी दृढ़ शक्ति दृढ़ इच्छा बल से आगे आगे पार्टी जो जंत्रणा समय से जो प्रकार कष्ट से कथा जी आप चिंता करें शुणे बहुत कष्ट लगे कारण जो समय 5 वर्ष गोटे झी गोटे बेड्रे 5 वर्ष पड़ी रहा से बाहरी ऑपरेशन करवा घर लोक सपोर्ट विभिन्न जो मैंने देखा करवाक जो प्रकार मिनिमम सपोर्ट भितर समस्ते विड्रो कर समस्ते भावुले आ कि करहबनी केवल से मु बहुत खुशी लगे प्रमोदिनी जे तांकर दृढ़ इच्छा दृढ़ शक्ति बल से निजक प्रमाणित कर अक्षम नुहे मु सब जिनस मो पाखे से सामर्थ्य अच्छी मो पाखे से शक्ति अच्छी जहाँ अन्न मान पाखे अच्छे जहाँ साधारण लोक अच्छे से प्रमाण कर बंधु मान जो मैंने एसीड अटाक शिकार होते से सहित अच्छा से खुशी अनुभव करे आम कि आम आगे जापरू आमर जीवनटा भलि कटिपर साधारण लोकर जहाँ जीवनशैल रही से प्रमोदिन को अनेक अनेक मानते धन्यवाद तो मुझे कहबि मुझे तो झील बोली कहे तेणु प्रमोदिन को इच्छा शक्ति एकदम अति निकट रू देखिपारी अनेक कम करने जो इच्छा रही सांगसाथी मान जो मैंने इसीड अटाक शिकार होती सापत्ति नहीं निष्पत्ति दृढ़ अटल रही से अनेक कम करेंगे बोली मुझे निश्चिंत आशावादी रही आम समस्ते देख भी पार गोटे परिवर्तन आभास आसटा कि प्रमोदिनी द्वारा निहत भाव मैडम प्रमोदिन तो गोटे प्रेरणार उत्स और जहाँ आप गोटे पर स्वर से बंचार राह से अनेक को देखते कि सुपर हिरो होती सरोज मानने अनेक पुओंर झीवों प्रति जो नजरिया देखार नजरिया जीवन जीवन को उपभोग सहित भल पाइबार संज्ञा बदली सरोज हाँ देखो साधारण भाव साधारण गोटे पुओ अने जन को बाहा बहुत कष्ट
जमती प्रमोदी क्षेत्र में सरोज भी गोटे नियारा व्यक्तित्व तांकर जो चिंताधारा रही विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम से जड़ित अच्छा विभिन्न जगार कष्ट अनुभव कर देखी से गोटे मनर परिवर्तन कले जदि मु बाहबी गोटे साधारण झील को कहीं प्रमोदीन को बाहबेनि प्रमोदीन पाखे जहाँ शक्ति रही चाहते प्रमोदीन केमती चलिए केमती आगे बढ़े केमती कम करेंगे इविन प्रमोदीन जिते ऑपरेशन आखि ऑपरेशन करूँ सहित थे से जिते जाती प्रत्येक तीन मस रे हॉस्पिटल को चेन्नई जाती से प्रमोदन प्रमोदीन सहित सरोज मत साथ प्रत्येक घटन कौटी की जी क्या देखा करेंगे कौटी एसपी पाक कौटी कलेक्टर पाक कौटी महिला कमिशन पाक जो मैंने सहयोग हाथ बढ़ाई सी प्रमोदीन को सांगे लेकिन जाती निश्चित भाव में मैंने अंतर धन्यवाद देवा पड़े सरोज को जड़े निरा व्यक्ति जन सी प्रमोदीन को हाथ धरी से गोटे उदाहरण सृष्टि कर मोर मन हुए आगामी दिन मानक जो पुओ मैंने अच्छा से माने जीवन साथी को बाछबे एवं आम जन को साय कर गोटे समाज में गोटे अलग प्रकार माहौल सृष्टि जो सारा ओडिशावासी आज बाहर टी देखुं समस्ते खुशी होती आशीर्वाद से दुईज पाखे रही अत्यंत खुशी और सरोज को अनेक अनेक धन्यवाद मैडम आप बाहर स्थल में उपस्थित रही मानते जो उभय परिवार सदस्य भी उपस्थित अच्छा केते खुशी अच्छा आज से बाहर को नहीं उभय परिवार खाली सरोज प्रमोदी नुहे उभय परिवार केते खुशी अच्छा आप देखिपारे ये प्रमोदीन परिवार सरोज परिवार दुई परिवार मिलन प्रमोदीन भाई भौणी माँ मौसी खुड़ी पिसा बड़बापा बड़मा ठीक से भाई सरोज मत पर वर्ग और संग बंधु मैंने समस्ते ये अच्छा समस्ते खुशी माहौल गोटे आपड़ देखिले विश्वास करें ये एत सेल्फी उठू प्रमोदीन को सरोजन को सरोज सहित देखिले जना पड़े ये के खुशी लगुच उदाहरण समाजपी निश्चित भाव में आम समस्त आशावादी रहा समस्त आशीर्वाद करवा आगामी दिन मानक दाम्पत्य जीवन किभ सुखमय हम मंगलमय हम ये आशा निश्चित करवा आशीर्वाद कर तो गोटे बहुत भल दिन मैडम गोटे खुशी दिन गोटे उत्सवर दिन कि भितर भी गोटे चिंताजनक कथा कि आपड़ जब भारत क्राइम हिस्ट्री को देखिए खास कर एसिड अटैक को देखिए गोटे ये कमन अटैक जेकोसी रिवेन्स नापी हो कौन प्रकार जब प्रेम विफलता हो जन को मारिदेपी चेस्टा होनेक उदाहरण रही लंबा लिस्ट रही कि गोटे साधारण अटाक होसीड फोपाड़ मुहपुर को जीवन नष्ट कर दि यू आम एपर्तंत रखिपारे जदिओ पनीशमेंट जो रही वृद्धि पाई मानते पनीशमेंटर मात्रा वृद्धि पाई किंतु एत भी सख्त होनी जो चांसेस अच्छी कि जी दोषी जी अपराधी तार खसी संभावना बेस रही हाँ देखो तो भारत वर्ष अनेक घटना यह भाव में देखा ओडिशा रा पूनम सिंघल केस देखु एवं देखु हिमांशु केस को देखु अनेक घटना ओडिशा रे देखा जाए किंतु आईन जो प्रकार तैयारी आईन को इम्प्लीमेंटेशन जब प्रॉपर्ली करा ताहले एसिड बिकवाटा को प्रथम रोक जा दरकार अभियुक्त को धरवा पनीशमेंट दवा से तो गोटे प्रक्रिया कौन ना कौन प्रकार अभियुक्त मैंने अटाक करेंगे कितु जो आईन टी अच्छे आईन टी जो आम प्रॉपर्ली देखा एपर्तंत आईन टी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें सेटा हूँ दुखर विषय एवं अभियुक्त जो मैंने करूँगी भितर कौन प्रकार भय सृष्टि है आप देखी जो हिमांशु केस्रे केन्द्रापड़ा हिमांशु तर जो भाई अवस्था होकर जी अभियुक्त जी सी बर्तमान बेल रे घर बाहर बुलूं आए शिकार होती से घर भितर बस दुईटा को आखि नष्ट कान नष्ट शरीर नष्ट कौन सी प्रकार सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो पारे मोर कह कथा ये जघन्य अपराध जो मैंने करो मैंने जघन्य घटना घटना कौन सी प्रकार बेल मिलवा कथा नुह कि आमर एटी आईन फांका जो रही लूपहोल्स रही से अभियुक्त मैंने कलापर से डाटा कलापर मध्य बाहर बुल पड़ कि प्रबंधन क्षेत्र में देखते बहुत दीर्घ बार वर्ष पर सी अरेस्ट है कितु से पर्यटन से आराम से बुलूला से चाहता जो मोर जब नब आईपर प्रमोदीन तरह नईपर यही जो मनोभाव पुरुष समाज पुरुष मान मनरे रही
যে কাহু না শুণবা কথা সে চিন্তা করুনা ঘর ভিতরে অপব্রিঙ্গিং গোটা এমিটি রয়েছে পুয় মানে যা মাগিলে ডিমান্ড কলে তাঁর সব জিনিস মিলে যায় সেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে পিলা মানে যেত বড় হচ্ছে বাহারকু যাচ্ছেন কাহু গোটে প্রেম নিবেদন করছেন এবং যদি সে ন শুণিলা সবুঠু হচ্ছে যদি মোর ন হব কাহার ন হব তা মোরে এসিড ঢালি দেবে এই যে মানসিকতা এই যে চিন্তাধারা রয়েছে সমাজের এটা পরিবর্তন কেতে হব যেতবে আইনটিকে কড়াকড়ি ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যাই পারবে অভিযুক্তকে কঠোর কঠোর দণ্ডর আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু এইভাবে জিনিসের এপর্যন্ত হয়ে পারি না প্রমোদিন কেসে সে আরেস্ট হয়েছেন জেল অনেক এটা কেস কোর্ট কেস চালিছে কিন্তু যেতবে তার ভর্ডিক্ট আসবে সেত জনা পড়ব তাকে কোন প্রকার আইপিসি যা ধারা রয়েছে 326 এ অনুসারে যদি দেখিবা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যা রয়েছে ধারা অনুসারে 10 বর্ষ এতে রয়েছে দণ্ড যদি এটা হয়ে পারে এটা মধ্যে এক্সটেন্ড করে পারে কিন্তু কথা উঠুছে কি এই যে 10 বর্ষ এই হয়ে তো লাইফ টাইম ইমপ্রিজমেন্ট কু এটা এক্সটেন্ড করে পারে কিন্তু তা ভিতরে আহরি অনেক কথা বি রয়ে যাই কি যদি জন এসিড আটাক কলা যদি জনক দেহে সে এসিড ন পড়লা তাহলে সেটা গোটে অফেন্স নুহে এমনি ছোট ছোট জিনিস রয়েছে মানে এটা গোটে প্রকার ন্যারো রয়েছে মানে এই যে প্রক্রিয়াটা এই যে ন্যায়িক প্রক্রিয়া যা রয়েছে এতে একদম ন্যারো রয়েছে আ ভিতরে গোটে আহরি গোটে মানে চেঞ্জেস আসি আহ গোটে শক্ত হওয়া কেতে দূর আবশ্যকতা রয়েছে আবশ্যক রয়েছে সচেত গোটে ঘটনা ঘটেলা পেপরে আসলা মিডিয়ার ডিসকসন হল কিন্তু তাহা কিছু দিন চালা সমস্ত পাখে পৌঁছিলা না অভিযুক্ত যদি আরেস্ট হব এবং খালি আরেস্ট করে 10 বর্ষটা কিছু নিয়ে প্রমোদিন এন্টার নাই আখি নাই না পাউছেন দণ্ড সে বহুত কম পড়ব কথা আউ গোটে সরকার অনুরোধ মতে তো নিহতভাবে আইনকু আহরি শক্ত হবার আবশ্যকতা রয়েছে কেবল যে 10 বর্ষ কারাদণ্ড বা জীবন ব্যাপী কারাদণ্ডটা এটা এতিকি নুহে সফিসিয়েন্ট নুহে আহরি আইনকু কড়াকড়ি করা যাবার আবশ্যকতা রয়েছে কঠোর দণ্ডর আবশ্যকতা রয়েছে তাহলে হয়েত এসিড যে রয়েছে আটাক যে রয়েছে তা হয়তো কমে পারে কারণ যদি আমি ডাটা দেখিবা খাস করে ওড়িশা কথা আমি দেখিবা তাহলে ওড়িশারে 2018 মধ্য 13টি এসিড আটাক হয়েছে এবং খাস করে 2011 যদি আমি দেখিবা 2019 ভিতরে 70 এসিড আটাক হয়েছে ঘটনা তেমন কোর্ট না কোর্টি এপরে এপর্যন্ত রোক লাগি পারে সাধারণ কথা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট যেতবে পিআইএল দাখল করাগলা লক্ষ্মী অগ্রওয়াল পক্ষর এবং যে আপেক্স কোর্ট যে মানে গোটে ল্যান্ডমার্ক জজমেন্ট দিয়ে কি প্রথমে এসিড যে বিক্রি বন্ধ হব ব্যান হব এবং তাপরে যাই পনিশমেন্ট কিন্তু তাহা মতো অনেক এবে বি অনেক দোকানে এসিড বিক্রি হচ্ছে এবং যার ফায়দা নেওছেন এভাবে দুর্বৃত্ত মানে এবং এমানে সে মনর ইচ্ছাকে পূর্ণ করা বা কাহক আঘাত পৌঁছাইবা এসিডর সহায়তা নেওছেন তেমন কিন্তু যা বি হো এসব জিনিস ঊর্ধ্বক যাই প্রমোদিনী এবং সে জীবন যুদ্ধের সংঘর্ষ করছেন বি এবং এতে জিত বি হাসল করছেন এবং নিজ জীবন আউ এক নূয়া অধ্যায় বি আরম্ভ করা যাচ্ছেন নূয়া ফর্দ যোড়ি হয়েছে তাঁর জীবনে কারণ আসি যে বিবাহ বন্ধনে বাঁধি হচ্ছেন সরোজক সহ তাঁর জীবনসাথী সহ তেমন এই উভয় উভয় পরিবার উপস্থিতিতে বিবাহ হয়েছে উভয় যেত খুশি পরিবার সেতিক খুশি খালি সেতিক নুহে প্রমোদিন এই বিবাহের রাজ্য বাহু দেশের বিভিন্ন স্থানর যে এসিড সর্ভাইভর রয়েছেন সে আসি যোগ দিয়েছেন বারাতে যাই যার ভিডিও আজ সোশিয়াল মিডিয়ায় দিনভর বেশ ছাই রয়েছে এবং সমস্তে শুভেচ্ছা জনাওছেন প্রমোদিনী এবং সরোজক তবে যেটি বিবাহ মানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে জায়গায় উপস্থিত রয়েছেন আমার প্রতিনিধি শত্রুপা সামন্তরায় শত্রুপা তবে কিছু সময় পরে আমি যোড়ি হওয়া শত্রুপাক সহ আপনি দেখুম আজ দিনভর যা কার্যক্রম রয়েছে যেমি গোটে সাধারণ বিবাহর হয়ে থাকে গোটে ঝিওর এবং গোটে পুয়ের সেই রীতি রীতি অনুযায়ী আজ প্রমোদিন বিবাহ হয়েছে তেমন গোটে যেত যা ঘটনাক্রম রয়েছিল যেতবে গোটে 17 বর্ষ ঝিও লে প্রমোদিনী কলেজ যাওয়া সময় তাঁর একপাখিয়া প্রেম করুবা যে রয়েছে যে আর্মি জনে যবান রয়েছে তাঁর এসিড আটাক করে এবং সে ঘটনাস্থলে ফেরার হয়ে যাই তবে যন্ত্রণায় ছটপট হয়েছিল প্রমোদিন তাঁর অনেক সর্জরি হয়েছে আখি নষ্ট হয়ে যাই কিন্তু সেতবে তাঁর জীবনে আসলে সরোজ সহায়তার হাত বড়াইলে তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে সে রয়েছে প্রমোদিন সহ তাপরে ধীরে ধীরে এই যে নিবিড়তা কেতবে ভাল পাইবার রূপান্তরিত হল এবং ভাল পাইবার জীবনসাথী হবার সে নিষ্পতি নিয়ে 2018 ভ্যালেন্টাইন ডে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি 14 সে নির্বন্ধ হয়েছিল লক্ষ্ণৌরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 2021 মার্চ 1 আজ উভয় পরিবার উপস্থিতিতে উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এই বিবাহকে সমস্তে বেশ খুশি রয়েছেন নিজে প্রমোদিনী
सरोज मध्ये खुशी रहिछन्ते एवं आशा मध्ये करिबा कि उभयंकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेउ दाम्पत्य जीवन सुखमय हो भगवान सेमनक परे आशीर्वाद करन्ते जे प्रमोदिन एवं सरोज कर विवाह अनेक पई प्रेरणा मध्ये जगाइछि अनेक पई मध्ये अनेक किछि उदाहरण सृष्टि करछि कि किभली भाव रे जीवन रो जो नजरिया रहिछि देखिबार जो नजरिया रहिछि ता बदलिबार आवश्यकता रहिछि जनकर सुंदरता केवल मुहरे न थाए सुंदरता हृदय रे थाए हृदय को भल पाइबा ही आवश्यकता रहिछि एकथा प्रमाणित कर देखैछन्ति सरोज तेणु कोट ना कोटी उभयंकर विवाह अनेक किछि उदाहरण सृष्टि करछि समाज पई तेबे सबुठू बड़ कथा होची आम साथे बर्तमान जोड़ी होती आलोक दिशी जेतिकी स्टॉप एसिड अटैक फाउंड मान फाउंडेशन जो रही तार से रही उपदेष्टा और सबुठू बड़ कथा होची से जने सांबादिक सहित विभिन्न एनजीओ सहित से जोड़ी होती आलोक जी आपको स्वागत करते हैं आलोक जी क्या बोलेंगे पहले बोलिए सरोज और प्रमोदिन की शादी को लेकर आपका रिएक्शन क्या आएगा बहुत अच्छा लग रहा है जो बीच में ही हमारे हमने इस प्यार को ग्रो होते हुए देखा है हमने देखा है कैसे सरोज ने एक तरह से मतलब संबल बने हैं रानी के लिए और बहुत मुश्किल सफर रहा है रानी का शायद आपने बताया भी होगा सब लोगों को तो एक लंबे संघर्ष में सरोज का आना मतलब एक तरीके से जैसे सांस की तरह सरोज उनकी जिंदगी में है तो मुझे अच्छा लगता है ये इन दोनों की शादी कितने लोगों के लिए एक मिसाल है जी हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल जो दोनों लोगों की शादी है ये एक पॉजिटिव मैसेज है शायद मैं ऐसे कहूँ तो ये उस अभियान का एक सक्सेस हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है जैसे स्टॉप एसिड अटैक्स कोशिश कर रहा है कि हर पहलू पे काम किया जाए मतलब एक कोशिश ये भी रह रही है अपने कैंपेन की कि सामाजिक बदली जाए क्योंकि एसिड की बिक्री एक पहलू है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं सरकार के नियम कानून आए वो एक पहलू है लेकिन एक बड़ा पहलू है जो ये कि समाज कैसे बदलेगा कैसे इस तरह का एक कंफर्टेबल माहौल मिले कि इस तरह शादियां कर और जहाँ पे जो है उसको ऑप्टिमाइज ना किया जाए उसको गलत ना समझा जाए तो उस दिशा में शायद ये बहुत अच्छा मतलब मेरे ख्याल से ये एक पहली सक्सेस स्टोरी हमें दिख रही है यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मतलब ये बहुत ही अच्छा मैसेज भी है इस समाज के लिए आलोक जी आप खुद आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉप एसिड अटैक आप बहुत सारे एसिड सर्वाइवर के साथ भी काम कर चुके हैं उनके साथ मिल भी चुके हैं तो आपको क्या लग रहा है ये जो अभी भी हमारे देश में जो लॉ है इंडिया में आपको क्या लग रहा है एसिड अटैक के अगेंस्ट में ये लॉ काफी है देखिए लॉ हमारे यहाँ अच्छे आ गए हैं मतलब कुछ कानून है जिनको अगर ठीक से किया जाए तो सब दिख सकता है जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री को रेगुलेट किया है और तो एसिड इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए और एसिड की जो आसान उपलब्धता है उसी वजह से शायद एसिड अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इस बारे में बहुत लंबी बहस हुई है इन्हीं पहलुओं पे बहस हुई है तो ऐसे जाए तो काफी फर्क पड़ेगा बाकी इस तरह का क्राइम करने वालों को अब उम्र की सजा आती है कड़ी सजाएं हैं थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है जैसे अब पुलिस भी थोड़ा बेहतर रिस्पांस देती है इसको हीनियस क्राइम में रखा गया तो इस तरह से काफी कानूनों में तो बदलाव आ गया है लेकिन अब इन कानूनों को जमीन पर लाना है और पूरे इस मगर आलोक जी लॉ तो पनिशमेंट को हाइक किया है मगर ये तो जो विक्टिम्स है इन लोग को तो इतना भी हेल्प नहीं होता है देखिए लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो या 10 साल का सजा हो या आप रिहैबिलिटेशन की बात बोलो या कंपनसेशन की बात बोलो जो पेन है जो होल लाइफ की जो पेन है इन लोग को जो मिलता है खास करके वुमेन को अगर देखा जाए तो ये अटैक ज़्यादा वुमेन के ऊपर ही होता है तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लॉ आना कितना जरूरी है मतलब मैंने बताया इसे एक और पहलू भी है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी इस पे भी एक आदेश दिया है कि जो रिहैबिलिटेशन है सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए कहा है मतलब किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल जहां भी वो इलाज कराए शुरुआत से लेकर अंतिम इलाज तक जो है सरकार को कराना चाहिए तो इस तरह के कानून तो आ गए हैं और दो पहलू हैं एक ये इस तरह के अपराध ना हो उसके लिए कड़ी सजाएं और एसिड की सेल में जो रेगुलेशन है वो काफी हेल्पफुल है अगर इनको सही से लागू किया जाए दूसरा कि अगर एसिड अटैक हो जाए तो काफी अच्छा
कंपनसेशन गवर्नमेंट ने रखा है, लेकिन उसको ठीक से अभी लागू नहीं हो पाया है बहुत सारी जगह से। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने एटलीस्ट इतना, उड़ीसा सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं, हमारे जो एमपीज हैं, इन्होंने काफी सपोर्ट किया है रानी को, लेकिन ऐसा कम हो पा रहा है या ऐसे कम मामलों में ही हो पाता है। और काफी अच्छे कानून है अगर सरकार उन्हें लागू दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़े होने के लिए। रहते आलोक दीक्षित रहते स्टॉप एसिड अटैक ऑर्गेनाइजेशन उपदेषा रहते से अनेक एसिड सर्वाइवर सहित मत से कम कर आज खास कर सरोज और प्रमोदी बहुत से ओडिशा गस्तर आसते उभय बह एक उदाहरण बोली कह सहित खास कर जो एसिड अटैक देश में वृद्धि पाचे केमती रोक लगे आहरी नजर देवार आवश्यकता रही से प्रतिक्रिया कहते समय जी कार्यक्रम को एट रखा नमस्कार। एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रा आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांतारे आपण भी जोडी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे अर्गस सब बळे लोकन को साथ रे।